कंसिस्टेंसी है। आलू बड़े करारे है भैया, तुम्हें कब कब इसमें डालता हूँ, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ। हेलो, टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। सी अनुपम द सेफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट हो रहा है, अनुपम जी ने ब्रेकफास्ट बनाया है, बहुत ही यमी है। और आइए किट्टू से मिलते हैं। दिखा दिखा, लग गया। किट्टू ने यहाँ पे नहा लिया है सुबह सुबह और मासी उसे रेडी कर रही है। देख लीजिए कितनी शैतानी कर रही है हमारी किट्टू और बहुत ही मस्ती कर रही है यहाँ पे। हाँ, फोटो बना रही हूँ बेटा। गया? बोलो बोलो, मजा आ गया मम्मा। मम्मा मुझे मजा आ गया। ओ वाह बेटा, कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए बोलना। बोलो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, मजा आया। अभी मैं करने जा रही हूँ किट्टू के लंच की तैयारी। किट्टू का ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर वो फ्रूट्स खाती है और दोपहर के लंच में हम उसको मिक्स राइस देते हैं, तो ये मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा डाल दूँगी और थोड़ा सा जीरे का तड़का डालूँगी इसके अंदर, और उसके बाद बस तो वही प्रोसीजर। मैं किट्टू के लिए यहाँ पे ना मिक्स राइस बना रही हूँ वेजिटेबल्स डाल के। वैसे तो वेजिस नहीं खाती है वो, अगर सिर्फ सब्जी बना दो तो। मैं हमेशा अक्सर ये करती हूँ कि सारी वेजिस कट करके उसके राइस और थोड़ा सा उसमें दाल भी डाल देती हूँ, वो हेल्दी हो जाता है बेबीज के लिए। तो लंच में उसको मैं ये चीज़ देती हूँ, बाकी उसने सिर्फ राइस ही खाना है। उसको वीट एलर्जी है तो उसके लिए फिर बेसन वगैरह उसका अलग से आता है ग्लूटेन फ्री, तो उसका चीला वेला बना के रात को देती हूँ। गाइस, मासी आज किट्टू को कैट बनाऊंगी मैं। कैट कह रही है मुझे कैट बना। अरे सो मेनी क्लिप्स, वाओ वेरी नाइस। बताओ आज ना किट्टू कैट ही बनेगी। क्या बनेगी, क्या बनोगी किट्टू बताओ? क्या बनोगे बताओ, दे दो मुझे। क्या बनोगे पहले बताओ? ओके 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 डन। ओ बिल्ली, किट्टू के मिक्स राइस में ना पालक भी मैंने डाल दिया है, तो ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। क्या नहीं बोल रहे आप? आप झूठ बोल रहे हो। लाइट ब्लिंक हो रही है, कैसे हो रही है आप यहाँ पे? झूठ बोल रही है किट्टू। घोस्ट है यहाँ पे, झूठ बोल रहे हो। बोलो मैं झूठ नहीं बोल रही, उधर देख के बोलो। झूठ नहीं बोल रही, झूठू झूठू। वाह, किट्टू ने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला झूठ। किट्टू और दादू की मस्ती हो रही है। दोनों पैर ना दादू बांध रहे हैं रस्सी से ताकि वो भाग ना पाए। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय तो शाम की। यहाँ पे मासी खाना खिला रही है और हम क्या करें, हमने अभी अभी चाय पी है और रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक और आप लोग मेरे साथ आइए और देखिए कि किस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। आज ही मॉर्निंग में ये पालक लेके आए हैं और बहुत ही दिनों बाद पालक बन रहा है, तो मैंने सोचा पालक आलू बना लूं। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से वॉश कर रही हूँ और उसके लिए ये वेजीज काट के रखी हुई है। लहसुन डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आलू भी बॉईल कर लिए हैं तो ये भी फ्राई करके डालना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी पालक, और वॉश करने के बाद इसे बॉईल करने के लिए मैं 10 से 15 मिनट छोड़ूंगी। अब नहीं खाएगी क्या? एक ही टू रख दे इस पे, टिश्यू पेपर पे रख दे, मत लगा उसमें चिपक जाएगा। किट्टू मैडम के हाथ में एक बार लॉलीपॉप आ जाए फिर उसको क्या ही छोड़ना, वो पूरा खा के रहती है कितना भी मना करो। यहाँ पे हमारे पालक हो रहे हैं बॉईल और 10 मिनट बॉईल करना है बस। और आलू में नमक मिर्च मसाला डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये हीट हो रहा है ऑयल और इसमें डाल के हमें इसे फ्राई करना है।
फ्राई करने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है और ऐसे ही डाल देने से ना वो बहुत अजीब लगता है गाइस, और नमक भी पूरी तरीके से आलू के अंदर नहीं जाता है। तो मुझे यहाँ पे ऑयल से थोड़ा डर लगता है, तो मैं दूर दूर से डाल रही हूँ और इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है बट खाने में बहुत टेस्टी होता है गाइस। और ये देखिए पालक हमारे हो गए हैं, और सुन लीजिए अनुपम जी की कमेंट्री। आज देखते हैं नानू पालक आलू बना रही है, वैसे तो बहुत अच्छा बनाती है, हमेशा ही अच्छा बनाती है, आज कुछ डिफरेंट से ट्राई कर रही है, देखते हैं कि अब कैसा बनाती है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है या सिर्फ आज बस टाइम ही लगा रही है। यस ये देखो जी, बताओ तो सही खाने में क्या मिलेगा। अनुपम मुझे इरिटेट कर रहे हैं और मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो ये नोकझोंक चलती रहती है। आलू फ्राई, और आलू फ्राई करने के बाद इसका इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद तड़का दे देना है, बस दैट्स इट। फिर बाद में मैं आलू डाल देती हूँ उसमें, तो बहुत ही इजी होता है, हेल्दी होता है साथ साथ। तो हमेशा ही सब्जी और ये सब चल रहा था, तो थोड़ा डिफरेंट आज गली में पालक वाला आया लॉकडाउन में भी, तो आज हमें पालक मिला है, तो आज पालक बना रहे। यहाँ पे मैं पालक को अलग कर रही हूँ गर्म पानी से, और बॉयल हो चुका है काफ़ी अच्छे से, 10 मिनट में ही हो जाता है। अगर ज़्यादा बॉयल भी ना हो तो घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना होता है और पकाना होता है उसके बाद, तो काफ़ी है 10 मिनट गाइस। इसको निकालने छानने के बाद ये पानी फेंकना नहीं है, ये पानी सब्जी में एंड में डाल देना है, ताकि इस पानी में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा ठंडा होने दो इसको। हाँ मेरे जैसा कोई शेफ नहीं है, देसी शेफ हूँ मैं, देसी शेफ। मेरे को देखो ये समझ नहीं आता कि पालक को ग्राइंड करना है, तो उसमें शेफ का क्या मतलब है? उसमें बिल्कुल ये मतलब है, बना मैं रही हूँ, उसमें मतलब बना मैं रही हूँ, शेफ इनको बोल देना ठीक है। मेरे उसमें शेफ का ये मतलब है कि कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ये चीज देखना किसको है जो बनाता है। कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। तू क्या बना रही है जो यहाँ पे आई है, जाओ वहाँ पे, गो देयर। ये देख मेरे पास क्या है। हे भगवान, आलू बहुत ही क्रंची बने हुए हैं। आलू बड़े करा रहे भैया, आलू बड़े करा रहे, आलू बड़े करा रहे भैया, आलू बड़े करा रहे। लुक एट हिम। अरे किट्टू, किट्टू ये आपके बिस्किट है ग्लूटेन फ्री वाले। मैं सबका, मैं तो बच्चे का भी खा लेता हूँ, वो बुड्ढे का भी खा लेता हूँ, मैं जवान का भी खा लेता हूँ, मैं सबका बिस्किट खा लेता हूँ, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ। किट्टू गो, ले लो डाटा के हैंड से, छीन लो, भाग जाओ, भाग जाओ, भागो, भागो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। दादी क्या कर रही है? हाँ बेबी को सुला रही है ना, स्लीप कराओ, चलो स्लीप कराओ आप। तो जल्दी से ग्राइंड कर दो ना उसको, मुझे बनाना है। हेलो, आपको कह रही हूँ टाइम नहीं है, जल जाएगा मेरा ऑयल। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, जो काम दिया ना वो काम करो, ज्यादा यहाँ पे इमोशंस वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट इमोशन, दिस इज पन। पन पन एक इंग्लिश टर्म है, इसके दो मतलब होते हैं, एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। This is fun. वो तो हर लैंग्वेज में नहीं, ये fun भी है, और इसको as a satire भी हम बोल सकते हैं, बोली कुछ और मतलब कुछ। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। See guys, see अनुपम the chef। बातें तो आज अनुपम फनी फनी कर रहे हैं और अच्छी भी है, बट मैं नहीं सुनना चाहती, पता नहीं क्यों मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ यहाँ पे, और मुझे किया भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इरिटेट है आज, तो इसके लिए मैं म्यूट कर दिया मैंने इनकी सारी बातें, ठीक है। और यहाँ पे मसाला भरा जा रहा है डिब्बे में, फ़ोन आ गया गाइस, पूजा का फ़ोन आ गया, तो थोड़ी सी बातें हो रही है, और मैं इसको ये बोल रही हूँ कि मैं पालक बना रही हूँ तुझे खाने हैं, तो उसने बोला नहीं आज नीचे भी छोले बने हैं तो मुझे नहीं खाना। मैंने कहा इट्स ओके, तो ठीक है। अब ये देखिए ग्राइंड पालक मैंने अच्छे से जो मसाला बना रखा है उसमें डाल दिया, अब बस 5-7 मिनट इसको बॉईल करना है, इसमें आलू डाल देना है, तो फाइनली रेडी हो जाएगी हमारी सब्जी। एक बार फिर से अनुपम जी की कमेंट्री, मैंने सारी म्यूट कर दी थी, थोड़ी सी ही है। कॉम्बिनेशन विद वाटर एंड हर्ब्स, ओह माय गॉड, टुडे वी आर गोइंग टू ईट सम हॉटी एंड स्पाइसी। वाओ, देन द लास्ट रेसिपी, द पोटैटोस, कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर विद द पोटैटो। कलर देखिए किस तरीके से सब्ज़ी का चेंज हो गया है, इसमें बटर डाल दिया है और बस आलू डालने हैं,
तैयार। तो फ्रेंड सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, एंड में मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और आप लोगों को दिखाना भूल गई तो फाइनल सब्जी कैसे बनी है। बाकी हम लोगों ने अब खा ली है और मैंने पूजा के लिए भी भेजा था, उसे भी बहुत पसंद आई। साथ में जो क्रिस्पी आलू फ्राई किए थे ना मैंने, वो आधे मैंने सब्जी में डाल दिया था और आधे मैंने सब्जी में नहीं डाला था, वो अलग से सब्जी के ऊपर सर्व करके दिया, तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। बाकी लॉकडाउन के डेज तो गाइज ऐसे बीत रहे हैं जैसे कभी पूरा दिन तो यूं चुटकियों में बीत जाता है, जिस दिन आप थोड़ा बिजी रहते हो और जिस दिन आप बिजी नहीं रहते हो ना उस दिन ऐसा बोरियत सी फील होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि कितना बड़ा दिन है, बीत क्यों नहीं रहा। तो ऐसे करके लॉकडाउन के डेज बीत रहे हैं। तो अपना तो गाइस ऐसा ही चल रहा है और किट्टू मैडम ने इतना परेशान कर दिया, अभी उसके लिए मैंने एक ऑमलेट बनाया ताकि क्योंकि 8 बजे पूजा ने ऑलरेडी उसे खिलाया था थोड़ा बहुत, और अभी मैंने उसके लिए एक ऑमलेट बना दिया। रात के बज रहे हैं 11:30 और अनुपम जी फाइन उसे अभी भी खिलाने में लगे हुए हैं, होप सो वो पूरा ऑमलेट फिनिश कर दे। और बस सोने का टाइम है और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइज तो प्लीज़ फ्लाइंग काइट्स को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट आप लोग बहुत कम करते तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हमें भी पता लगेगा कि हम कहाँ सही जा रहे हैं कहाँ गलत जा रहे हैं। वैसे तो जो होता है मेरे चैनल पर ना बिल्कुल जेन्युइन होता है, पूरे दिन का रूटीन होता है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, तो हम उस पर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बातें बहुत हो गई है, अब करना चाहिए मुझे अपने ब्लॉग को एंड। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।